देखिए हरियाणा में हरियाणा विधानसभा का हम अकेले लड़के 90 की 90 सीट पे, परंतु लोकसभा का अलायंस के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को हमने अपनी पोजीशन से अवगत कराया है कि हम मजबूत हैं वहाँ पे, हम अलायंस के साथ भी लड़ सकते हैं और अकेले लड़ने के अंदर भी सक्षम हैं। अंतिम फैसला आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व गठबंधन टीम इंडिया के साथ लेगा। हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है, भ्रष्टाचार देश में सबसे ज्यादा है, बेरोजगारी से देश में सबसे ज्यादा है, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ता जा रहा है, ना अच्छे स्कूल हैं, ना अच्छे कॉलेज, ना अच्छे सरकारी हॉस्पिटल, ना डिस्पेंसरीज, बेरोजगार युवक भूख से ना मरना पड़े इसलिए पढ़ा लिखा युवक मजदूर बन के इसराइल में जाके गोली खाने के लिए तैयार है। हरियाणा का मुख्यमंत्री 10,000 पढ़े लिखे युवकों को मजदूर बना के अब इसराइल भेजने की तैयारी के अंदर है। ऐसी स्थिति हरियाणा की हो चुकी है कि नया उद्योग नहीं लग रहा, नई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा। तो हरियाणा में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है। आम आदमी पार्टी ने एक बदलाव यात्रा निकाली थी, 90 की 90 विधानसभाओं के अंदर गई और जनता का बहुत भारी समर्थन मिला। अब 28 जनवरी को रविवार को जींद में एकलव्य स्टेडियम के अंदर अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं, भगवंत मान जी आ रहे हैं और बदलाव रैली को संबोधित करेंगे। वहां से हम हरियाणा के बदलाव का आगाज करेंगे। ये आगाज लोकसभा चुनाव के लिए भी होगा और विधानसभा चुनाव के लिए भी होगा। सर, क्योंकि लोकसभा चुनाव का आपने जिक्र किया, शेयरिंग को लेकर बातचीत भी चल रही है, तो क्या हरियाणा में आम आदमी पार्टी अकेले लड़ने पे विचार कर रही है या उसमें भी अलायंस को लेकर कोई? देखिए हरियाणा में हरियाणा विधानसभा का हम अकेले लड़ेंगे 90 की 90 सीट पे, परंतु लोकसभा का अलायंस के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को हमने अपनी पोजीशन से अवगत कराया है कि हम मजबूत हैं वहां पे, हम अलायंस के साथ भी लड़ सकते हैं और अकेले लड़ने के अंदर भी सक्षम है। अंतिम फैसला आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व गठबंधन टीम इंडिया के साथ लेगा। सर, क्योंकि इंडिया अलायंस, क्योंकि इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आप भी अलायंस का हिस्सा है सर, क्या इंडिया अलायंस रहेगा भविष्य में? क्योंकि एक बड़ा डेंट 100% रहेगा और ये अलायंस लोकतंत्र को बचाने के लिए है। जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्रीय व्यवस्था को कहीं ना कहीं कुचला जा रहा है, संसद की सुरक्षा के सवाल पूछने पे 140 सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा है, सांसदों को बिना अपना पक्ष रखे हुए सदन से परमानेंट उनकी सदस्यता रद्द की जा रही है, विपक्षी दल के लोगों को जेलों में बंद किया जा रहा है, ईडी और सीबीआई का नाजायज इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये लोकतंत्र को बचाने के लिए गठबंधन चलेगा।